केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में इन दिनों बिना रजिस्ट्रेशन संचालित की जा रही ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है। जिधर देखो बिना नंबर प्लेट लगे ये रिक्शा दौड़ रही हैं। गंभीर बात यह भी है कि बाहरी वाहनों को चेक करने में लगी ट्रैफिक पुलिस इस और आंख बंद किए हुए। वर्तमान में सभी प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है। वह हेलमेट व अन्य औपचारिकता न करने वाले वाहनों के चालान भी काट रही है। लेकिन अवैध रूप से संचालित इन ई रिक्शा पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है, यह समझा जा सकता है। साफ है कि मेरठ आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस के संरक्षण के बिना रजिस्ट्रेशन इतनी तादाद में ई रिक्शा का धड़ल्ले से संचालन असंभव है। एक अनुमान के मुताबिक मेरठ में करीब 5000 से ज्यादा ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और बेखौफ दौड़ रही है। ये न सिर्फ जाम के हालात पैदा कर रही है बल्कि इनके चालक बेतरतीब चलाते हुए एक्सीडेंट को भी लगातार न्योता बांटते चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।